रहमतुल्लाही व बरकातहू। काश ऐसा स्कूल होता जहाँ पढ़ाई होती ही नहीं। वाह 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 वाह, बस सच्चाई तो यही है, पढ़ाई दिमाग की दही है। वाह 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 वाह। पर हमारी जिंदगी का दुख और दर्द सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी दुख के जमानों में यारो, जैसे मैथ्स, साइंस, एग्जाम, यूनिट, ऐसे वैसे होना जाने कैसे। काश ही पढ़ाई होती लेकिन एग्जाम नहीं होते। वाह 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 वाह। मगर सच्चाई तो यही है, एग्जाम में मार्क्स आते ही नहीं। ये पढ़ाई का तो रोना ऐसा है जिसमें हमारे पूर्वज रोते ही रह गए, लेकिन ये पढ़ाई तस से मस ना हुई। अम्मी जान कहती थी, नहीं करोगे पढ़ाई तो रह जाओगे हलवाई। नाम तो मेरा लमा है, क्योंकि तो मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं, मगर पढ़ाई क्यों बनी भला हम क्या जाने। काश ऐसा होता, नंबर आते मगर कोई पूछता ही नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है, ये बेदर जमाना समझता ही नहीं। वाँ 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 वाँ। एक आइडिया, काश ऐसा होता जहाँ साइंस होती, एसएससी होती, इंग्लिश होती, और ये एमएटीएचएस नहीं होता। गणित के अध्यापक है हम, आज आपकी छोटी सी मोटी सी गणित की परीक्षा, मगर जिसके अंक आए कम मार मार चटक लाल गाल कर देंगे हम। कसमूत सर, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे मेरी नंबर तो कम आया और सर ने मेरे पापा को बुलाया है। क्यों बेटा फिर से फेल हो गए? अरे छोले बेचोगे छोले, हमारे जमाने में तो यही होता था, हमारे मार्क्स तो यही आते थे, हम लोग तो यही करते थे, अगली बार फेल हुआ तो मेरा बेटा तो मैथ्स पढ़ने विदेश गया है। विदेश? कोई बात नहीं बेटा, अगली बार पढ़ लेना। हमको भी मैथ्स ने मारा, तुमको भी मैथ्स ने मारा, हम सबको भी मैथ्स ने मारा, इसमें तू मार डालो। चलो भाई, जो आपके दादा और परदादा और आप लोग नहीं कर पाए, देखो इन बच्चों ने कर दिखाया। अरे इनके लिए इनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो तो कम है, इन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न। पर ये क्या, ये लोग तो अभी तक सो रहे हैं, स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो उठो उठो भैया, टाइम कितना हो रहा है? देख लो है? अरे इस घड़ी में से नंबर कहाँ गए? मैथ के साथ बना हो गया होगा। चलो अच्छा है, अच्छा है। ओपो, ये क्या हो रहा है? कोई अभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। चलो आप लोग का आर्ट एंड का आपका लेक्चर है, ड्राइंग बनाने सूरज बनाने को कहा था, दिखाओ अपनी ड्राइंग। ये लीजिए मैडम जी आपका टेबल। ये क्या बकवास है, किस टाइप का सूरज और कैसी ऊट पटांग टेबल? अब मैथ के बिना तो ऐसा ही होगा ना, ज्योमेट्री नहीं तो शेप नहीं, मैथ नहीं तो नाप नहीं, और मैथ नहीं तो आर्ट नहीं। चलो बच्चों अपना टिफिन खा लो अभी। ओके। अरे मम्मी ने तो इतनी सारी रोटियां दे दी, ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले भर का खाना दे। तो आप भी बताइए कितनी रोटी चाहिए थी आपको? मैथ के बिना गिनती नॉट पॉसिबल। चलो शुरू हो जाओ, खाते जाओ खाते जाओ। अरे जरा जल्दी करो, पीटी सर यही आ रहे हैं।
चलो बच्चों शुरू हो जाओ, hands up and down, jump jump jump, hands up and down, don't stop, continue continue, hands up and down, jump jump jump. हाय हाय, कितने दिन हो गए एक छुट्टी नहीं आई। हाय, चलो कैलेंडर देखते हैं, समर हॉलीडेज आने ही वाली होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगता है कैलेंडर का हाल आप लोग ने अभी तक नहीं देखा। अब ये कैलेंडर तो क्या हो गया, जनवरी के बाद जुलाई, उसके बाद अक्टूबर, ना कोई डेट ना कोई नंबर। हाय, तेरा हिंदी का टेस्ट कब है? मालूम नहीं, अभी तो मुझे सोने दो। हाय, क्या हाल बना रखा है, तुम तो अपना अपना ही मुरझाया हुआ चेहरा, ये बुधास मन को टेस्ट नहीं लगा रहा, तुम तो अपना हिंदी के परीक्षा के अरे ये क्या इतने सारे प्रश्न, ओह नो मैम, पता नहीं आमिना को क्या हो गया है, ना जाने इसने कौन सी दवा खा ली, ना इसमें पैच नंबर है ना एक्सपायरी डेट, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैं एम्बुलेंस कैसे बुलाऊं, मेरे फोन में तो कोई नंबर ही नहीं है, मैं कैसे फोन से फोन मिलाऊं, मैं कैसे एम्बुलेंस बुलाऊं? दवा खरीदी पर एक्सपायरी डेट नहीं, इलेक्शन आया पर रिजल्ट नहीं, देश का बजट नहीं, मानो खाने में नमक नहीं, चले सब हीरो बनने लेकिन मैथ के सिवा कोई हीरो नहीं, कोई हीरो नहीं, बस हो गया शौक पूरा, जी लिया मैथ के बिना, पर कितने दिन, ओहो आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि अभी तो सिर्फ दो दिन हुए हैं, तो बोलो मानते हो, असल बात तो यही है कि आप लोग ने एक सब्जेक्ट को लेके हवा बना कर रखा है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैथ तो सब सब्जेक्ट में सुपरमैन है, बैटमैन है, जब से बोलना सीखा है तब से मैथ्स ही सीखा है, और मैथ्स मरता नहीं क्योंकि मैथ्स मरता नहीं, मैथ्स मैथ्स के बिना है जीवन अधूरा, इसको थैंक यू।